संवाद लाइव संवाद लाइव स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट कर दें दोस्तों, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से है। चार ऑप्शन आपको देता है, प्रगतिवाद, वाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर नवगीत। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई हुई थी कि छायावाद, प्रगतिवाद, इसको लाइन से भी मैंने बताया हुआ था कैसे होता है। तो उसी में से पूछा जो रहस्यवाद है वो किस से रिलेटेड है। तो दोस्तों वो सी ऑप्शन है आपका सही, यहाँ पे छायावाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कि हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है। मतलब एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी शब्दानुशासन, इसके रचयिता का नाम पूछा है। चार ऑप्शन आपको देता है, कामता प्रसाद गुरु, जयेंद्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी या फिर भोलानाथ तिवारी। तो सही आंसर है दोस्तों इसका आपका थर्ड ऑप्शन, इसका भी राइट आंसर है किशोरी दास वाजपेयी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ब्राचर अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मालथी अपभ्रंश या अर्धमालथी। तो इस पे तो मैंने पूरा एक पूरा प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है, खाड़ी बोली और इसकी में जितनी भी बोलियां होती है, पश्चिमी बोली और ऐसे करते हुए, तो जितनी भी बोलियां होती हैं दोस्तों, जितनी भाषाएं हैं, कैसे उनका विकास हुआ, कहां से आई, वो सारा मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है। आप नीचे हिंदी का लिंक क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ब्रज भाषा की यहाँ बात किया हुआ है, तो ब्रज भाषा में जो है वो दोस्तों सौसेनी अपभ्रंश का यूज किया गया है, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि पर्ण मुकुट ये जो निबंध है वो किस लेखक द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शन देता है, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर है दोस्तों इसका आपका कुबेर नाथ राय, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि चाक उपन्यास की लेखिका। चार ऑप्शन देता है, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा या कृष्णा सोबती। तो सही आंसर है दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा ने ही चाक नाम का उपन्यास लिखा था। ओके, नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। बायोग्राफी है ये, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरदचंद। तो सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, शरदचंद जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदान का प्रकाशन कब, वर्ष कब है, मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1930 में, 1932 में, 1935 में या 1936 में। सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन 1936 में, 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। गोदान किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं मैं फटाफट केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको बोल दूं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आपको अगर टोटल डिटेलिंग में किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए किसी भी लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट वो आप लिंक क्लिक कर लीजिएगा और आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज वहाँ पे पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देता है कि 1900 से 1920, 1920 से 1936 या 1943 से 1953, या तीनों ही आंसर गलत है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, 1900 से 1920 का जो पीरियड था वो था आपका छायावादी काव्य का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रानी केतकी की कहानी, ये एक इसके लेखक कौन है, ये जो कहानी है ये नाटक है इसके लेखक कौन है। चार ऑप्शन देता है, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो सही आंसर क्या है दोस्तों आपका, इंशाअल्लाह खां, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ एक कहानी है, उसमें दो पात्र हैं, घीसू और माधव। ठीक है, तो ये किस कहानी के हैं, पंच परमेश्वर, कफन, उसकी रात या फिर ईदगाह। तो सही आंसर है दोस्तों आपका कफन। ठीक है, कफन जो उन्होंने लिखा था कहानी, उसमें घीसू और माधव नाम के दो पात्र थे। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आप अपने आगे की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम, चार ऑप्शन देता है, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, निर्वार्काचार्य, वल्लभाचार्य। चार ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन आपका सही है, वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जो साकेत नाम का महाकाव्य है उसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? नायक के नाम पे, नायिका के नाम पे, स्थान के नाम पे या घटना के नाम पे? दोस्तों जो साकेत है ये स्थान है, ठीक है, तो इसका जो नामकरण हुआ है इस महाकाव्य का वो किसके नाम पे किया गया? स्थान के नाम पे, मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का क्या नाम है? तो सही आंसर है साकेत। क्या? आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य कौन है? साकेत है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कौन सा सही अनुवाद है? सह पादेन खंज वेद्यालयम निकसा नदी अस्ति कविसु कालिदास वेष्ट। तो दोस्तों ये तीनों ही सही हैं, मतलब ये और ये सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सही, ये तीनों ही अनुवाद सही है। अगर आप अनुवाद जानना चाहते हैं संस्कृत का, तो उसके लिए दोस्तों मैंने तीन वीडियो बनाया हुआ है संस्कृत के, आप नीचे देखिए संस्कृत की लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है, उस लिंक से आप देखिएगा। उसका अनुवाद करने के मैंने तीन पूरे वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में वर्तमान काल, फिर दूसरे में भूतकाल और भविष्य काल, फिर तीसरे में मैंने पूरा विधि लिंग वगैरह ऐसे करते हुए मैंने पूरा आपको समझाया हुआ है कि कैसे अनुवाद हम करते हैं, क्या नियम है। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तीनों वीडियो को, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हम आपको डिटेल नहीं कर सकते, यहाँ अगर हम डिटेलिंग करने जाएंगे तो इसी टॉपिक पर मैंने बोला तीन वीडियो बनाए, और तीनों वीडियो दोस्तों 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट इसी के आसपास के होंगे कंफर्म, ठीक है। तो अगर मैं इस पे एक भी डिस्कस करने लगा ना, तो 20 मिनट तो इसी पे डिस्कशन हो जाएगा, इसीलिए आप उन वीडियोस जाके जरूर से देखिएगा और फिर आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छाटिए, यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है किसमें? प्रत्युत्तर में। तो सही आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, प्रति। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें मुझे बताया गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय पर मैं वीडियो बना दूं, तो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो मैं दोस्तों इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा मैंने, हाँ, एक तरीके से ये भी कही कि मैंने अभी इसको ध्यान भी नहीं दिया बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है ना कि मैं इसके चाहता हूँ कि आपके लिए एक ट्रिक बनाऊँ, ऐसा ट्रिक कि आप उसको पढ़ें तो कम से कम आपके 50-80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाए, कुछ ऐसा ट्रिक दे दिया जाए, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं उस पर आपको वीडियो दे दूंगा, ताकि आपका ये भी जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे उपसर्ग बताना है, और यहाँ पे उल्टा कर दिया है कि अब आपको उपसर्ग दे दिया है उत्त नाम का, और बताना है इससे यहाँ पे क्या बनेगा, उन्नयन बनेगा, उत्कर्ष बनेगा, या फिर उद्यन बनेगा, या तीनों ही बन जाएंगे। तो सही आंसर इसका दोस्तों है कि ये सभी उन्नयन, उत्कर्ष, उद्यन, ये तीनों में उत्त उपसर्ग है। अब प्रत्यय उपसर्ग इतना आसान नहीं होता है कि आप इसको कह लें कि सर ये उन्नयन में या उद्यन में कैसे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उत्कर्ष में दिख ही रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों में ही काम करेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूजनीय शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कतवा है, य है, नी है, या फिर अनियर है? तो दोस्तों ये प्रत्यय का प्रकार है, ठीक है। तो अब पूजनीय में आपको कौन सा प्रत्यय पूछा है ये आपको बताना है, तो आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पे य। पूजनीय में कौन सा है? य प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में, देखिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के प्रत्यय लगे होते हैं, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? चार ऑप्शन है आपका, अधक कत, कत, या कत्ता, कत्वा, या तव्यत, या फिर अनियर। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, अनियर, ठीक है। कैसे ये मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक अवसर भी अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो एक छोटा मोटा टॉपिक चाहिए ना, है ना, कैसा तो है नहीं कि मैं दो लाइन बताया काम खत्म हो जाए, पूरा पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा 15-20 मिनट का। तब जब मैं बनाऊंगा तब मैं आपको डिस्कस कर पाऊंगा, इसलिए फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपके पास जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उनका कलेक्शन हो जाए, और एक दो क्वेश्चन नहीं, 30-30 क्वेश्चन करते हुए हम लोग 200 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ताकि आपके पास हजारों क्वेश्चंस की कलेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, ये तो बड़ा मस्त चीज है, इस पे तो मैंने एक वीडियो बनाया था और संस्कृत में ही आपको मिलेगा, धातु लकार की ट्रिक, और बहुत ही ज्यादा उसको पसंद किया गया, आप अगर देखोगे तो गारंटी लेता हूँ आप भी इसको पसंद करोगे, ठीक है। इसमें मैंने धातु लकार के पांचों प्रकार, वो लट लकार हो, लोट लकार हो, लंग लकार हो, विधि लिंग हो, या लिंग लकार हो, मतलब पांचों लकारों पे मैंने ट्रिक दिया था, और ट्रिक से आप याद रख सकते हो,
ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे स्था पूछा है, तो स्था का यहाँ पे होगा तिष्ठत, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि लोट लकार में उत्तम पुरुष का द्विवचन जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तिष्ठत। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिट लकार का क्या मतलब होता है, लिट लकार क्या है, भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या आज्ञा है, क्या है दोस्तों, जो लिट लकार होता है वो होता है वर्तमान काल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि युष्मत शब्द तो बी ऑप्शन आप कि मध्य संरूप मध्य शब्द का है, क्वेश्चन है उसी टाइप का कि मध्य कब आएगा, तो मध्य आएगा दोस्तों ये आएगा चतुर्थी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संवाद लाइव पर, मेरी इस वीडियो को लाइक करें द्वंद्व समास और चैनल को सब्सक्राइब करें। चार ऑप्शन है द्वादश, त्रिरात्रम, पंचगवम और घनश्यामम, तो सही आंसर है दोस्तों आपका द्वादश, द्वादश में आपका क्या है यहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक, तो आपका बी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिनेत्र में कौन सा समास है, समास पे भी मैं आपको बता दूं तो मैंने टोटल चार वीडियो आई थिंक बनाए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये जो तीन वीडियो है इसमें तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, चार वीडियो नहीं आई थिंक तीन वीडियो मैंने बनाए, तीन ही वीडियो बनाए, हाँ, तो पहले दूसरे में मैंने दोस्तों आपको छह समास के बारे में डिस्कस किया है और तीसरा वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया है कि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, तो अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हो तो आपको समास पूरा डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा, अगर आपको एकेडमिक जाना है, ठीक है, आपको परिभाषा और उदाहरण जानना है तब तो ये दोनों देखिएगा, अदरवाइज आप केवल ट्रिक देखिए अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, तो ट्रिक केवल देख लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, तो उससे भी आप समास तुरंत पहचान सकते हैं। अब जैसे त्रिनेत्र बोला है तो मैंने सीधा सीधा बताया है कि जैसे ही स्टार्टिंग में कोई संख्या आ जाए, त्रि मतलब तीन, ठीक है ना, तो जैसे ही कोई संख्या आ जाए स्टार्टिंग में तो कहाँ हो जाता है, बहुव्रीही समास में चला जाता है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने दिया हुआ है तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा, त्रिनेत्र क्या है, तीन नेत्र वाला है तो वो बहुव्रीही समास, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, संधि दिया हुआ है, संधि पे भी मैंने दोस्तों चार या पांच लेसन बनाए होंगे, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, तीन तो ये है, और फिर एक संधि पर मैंने आपको ट्रिक बना के दिया हुआ है, ठीक है, तो चार वीडियो तो यही हो गए, तो ये सारी चीजें आप हिंदी के लिंक से देख सकते हैं, समास, अलंकार, रस, छंद सब देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग फटाफट, तो मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ, तो बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि ए वाला जाएगा आपका थर्ड के साथ, ये होगा आपका अयादि संधि, बी वाला जाएगा पहले के साथ एकाएक, ये होगा वृद्धि संधि, और सी वाला जाएगा चौथे के साथ, मतलब ये होगा यण संधि, और धर्माक्ष ये जाएगा आपका धर्मधन अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष है ना, तो धर्मधन अध्यक्ष ये जाएगा दोस्तों आपका दूसरे के साथ दीर्घ संधि, ठीक है, तो ये आपका मिलान होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप चारों संधि को बड़े ही आराम से समझ सकते हैं अगर आप मेरे चारों वीडियो देख लेते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट संधि विच्छेद करना है, यहाँ पे शरद चंद्र का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें से दोस्तों आपका जो सेकंड ऑप्शन है ना, शरत धन चंद्र, क्योंकि जब त होता है मैंने सब बताया है, जैसे त वर्ग हो, ठीक है, और कोई वर्ग हो तो उसके बाद अगर त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाए, ठीक, तो उसका क्या होता है, आधा च बन जाता है, ऐसे करके मैंने पूरा बताया हुआ है, तो आप पूरा देखिएगा संधि उन्धि तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, और सिर्फ हिंदी नहीं, मैंने तो संस्कृत की भी संधि पढ़ा रखी है, संस्कृत में भी तीनों संधि मैंने पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है रामस्चिनोति, ये एक शब्द है, इसमें पूछा है कौन निम्न संधि में कौन सा नियम लागू होता है, देखिए जैसे अभी मैंने संस्कृत की बात किया ना, ये संस्कृत में ही आपको पता चलेगा कि स्तोश्चु नाश्चु, इष्टुत्व, इष्टु नाश्टु या झलाम जस झसी, ये सब चीजें क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जब आप मेरे संस्कृत के जो तीनों संधि वाला लेसन है जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना, नीचे जो लिंक है उससे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों लिखा है, क्या लिखा है। ओके, फिलहाल कि रामस्चिनोति जो संधि है उसमें ये तीनों में से कौन सा नियम लागू होगा, तो ये होगा ये ऑप्शन स्तोष्टु नास्तु, ठीक। अब ये क्या है नियम, ये इस नियम का नाम ये क्या है, ये कैसे है, ये आपको पता चल जाएगा उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विष्णवे का संधि विच्छेद पूछा है, विष्णवे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन विष्णु धन ए, ये बन जाएगा विष्णवे, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नायक शब्द में कौन सी संधि है, नायक इसमें संधि कौन सी है, आपको पता है वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या
पररूप संधि है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर अयादि संधि। ठीक, विसर्ग लगे होने की वजह से इसको आप डायरेक्टली ये मत ढूंढ लीजिएगा कि विसर्ग संधि नहीं दिया है तो गड़बड़ है, नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे अयादि संधि। नेक्स्ट है दोस्तों की स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन, कालिदास, भास, भारवी या फिर श्रीहर। सही आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन, भास। तो ये तो दोस्तों कुल 30 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग उत्तराखंड एलटी परीक्षा 2020-21 के अंतर्गत दत्त परीक्षा के प्रश्नों को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।